हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल शर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमएस वर्ड शॉर्टकट्स पार्ट टू। तो दोस्तों, एमएस वर्ड शॉर्टकट पार्ट टू में हम बात करेंगे आगे के शॉर्टकट के, एमएस वर्ड के। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक के सारे एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उसके आगे के शॉर्टकट की। तो कुछ यूजफुल शॉर्टकट आएंगे, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया कोई भी पार्ट तो आप कोई ना कोई ट्रिक पक्का मिस कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड शॉर्टकट पार्ट टू की। इससे पहले हमने आपको बता रखा है पहले ही एमएस वर्ड कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक की एक वीडियो आई थी, आपको वो भी देखनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे इस वीडियो को, तो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा शॉर्टकट है आर्ट के साथ, अगर आप डब्ल्यू और उसके बाद क्यू प्रेस करेंगे तो जूम कर सकते हैं आप। जूम तो आप देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं 100% इसे कम वम करके, लेकिन देखिए व्यू के अंदर देखिए यहाँ आ रहा है जूम का ऑप्शन। तो आप कैसे करेंगे बिना यहाँ पे क्लिक किए, वरना आप यहाँ आपको यहाँ जाना पड़ेगा व्यू के अंदर, जूम के अंदर। आप देखिए इजीली हम आपको क्या दिखाते हैं, आर्ट के साथ आप डब्ल्यू प्रेस कीजिए, फिर अब आपको प्रेस करना है दोस्तों क्यू। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं जब हमने प्रेस किया आर्ट और डब्ल्यू, उसके बाद जब हम प्रेस करते हैं क्यू, तो दोस्तों हमारे सामने देखिए इस तरह का देखिए स्क्रीन आ चुकी है। तो देखिए हम अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाते हैं थोड़ा पास से दोस्तों। देखिए जूम 200%, तो दोस्तों आप 200% करेंगे तो देखिए आपका जो एमएस वर्ड है तो देखिए इस तरह से दिखेगा स्क्रीन पे। अभी हम ओके करते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार दोस्तों। अब आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरह से दोस्तों दिख रहा है। तो ये काफी अच्छा नहीं लग रहा, आप आर क्या डब्ल्यू प्रेस कीजिए फिर क्यू प्रेस कीजिए। अब हम आपको दोस्तों अगेन दिखाते हैं, देखिए 200 था, अगर आप 100 करते हैं तो ये तो नॉर्मली होता है। तो देखिए ये तो देखिए हर एक के पीसी में जैसे नॉर्मल देखिए 100% होता ही है। अगर आप आर के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे फिर क्यू प्रेस करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं, तो अगर आप करेंगे 75% तो देखिए दो पेजेस, देखिए दो इस तरह से दिखेगा, देखिए एक इधर और एक इधर जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट होगा। तो देखिए अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से दिख रहा है। तो यही काम है जूम का, आर्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करना है, डब्ल्यू उसके बाद क्यू। सो फ्रेंड्स, आप इतना ही नहीं, आप ऊपर नीचे देखिए यहाँ से भी परसेंट बड़ा घटा सकते हैं कि किस तरह से कैसा पेज दिख रहा है। सो ये आपकी नीट के अकॉर्डिंग है आपको कितना करना है। से मुझे जो है 100 पे काफी अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स मैं 100 कर लेता हूँ और हम कर लेते हैं ओके। तो नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों हमारा आल्ट के साथ शिफ्ट और उसके बाद अगर आप डी प्रेस करेंगे एक साथ तो इंसर्ट डेट, आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हम करते हैं आल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करते हैं, उसके बाद प्रेस करते हैं हम डी। दोस्तों देख सकते हैं 20 अगस्त 2017 डेट इसने आज की प्रेस कर दी। नेक्स्ट दोस्तों टाइम इंसर्ट करने के लिए आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, डी से डेट टी से टाइम। तो देखिए इंसर्ट टाइम, तो अगर देखिए हम आपके सामने आपको दिखाते हैं आल्ट प्लस शिफ्ट, आल्ट प्लस शिफ्ट उसके बाद सारा प्रेस करते हैं टी। दोस्तों आप देख सकते हैं 4:53 हो रहे हैं शाम के 20 अगस्त तारीख को, इस टाइम में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओके फ्रेंड्स। तो अब हम आगे देखते हैं F7 से क्या होता है, चेकिंग ऑफ ग्रामर एंड वर्ड्स, इस चीज को हम दिखा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर, देखिए CET कैट, लेकिन स्पेलिंग होती है बिल्ली की CAT। तो फ्रेंड्स इसे सेलेक्ट करते हैं, प्रेस करना है आपको F7 ग्रामर और वर्ड्स, चेकिंग ऑफ ग्रामर और वर्ड्स को चेक करने के लिए आपको F7 प्रेस करना है कीबोर्ड से। हमने प्रेस किया F7, देख सकते हैं रेड आ रहा है, मतलब इस स्पेलिंग में एरर है। तो देखिए यहाँ पे सजेशंस में आप देख प्रेस करना देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अपने आप रेड आ रहा था अभी ओके। सो अब हमें क्या करना है, अनडू करना है एडिट को। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर देखिए CET देखिए कैट आ रहा है, आप कौन से देखिए CAT होता है कैट, बाकी सब देखिए डिक्शनरी में है ही नहीं। तो आपने CAT पर क्लिक किया, फिर अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ कैट स्पेलिंग हो जाएगी CET की जगह, देखिए ग्रीन आ गया, नहीं स्पेलिंग सही है। और ना इग्नोर वंस अगर आप करेंगे तो वो गलती को ऐसे रिमूव कर देगा। सो फ्रेंड्स आप यहाँ से ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, हमारा मेन पर्पज शॉर्टकट बताने का था। सो फ्रेंड्स ये हो गया F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों चेक थ्रेसर। देखिए अगर हम शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करते हैं, हम कोई वर्ड लिखते हैं, सपोज कीजिए हमने लिख लिया रिच, ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं
जो भी लिखा शिफ्ट के साथ F7, शिफ्ट प्लस F7 प्रेस कीजिए। दोस्तों अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं हमारे सामने, दोस्तों यहाँ पर देखिए रिच आपने लिखा, तो देखिए यहाँ पर आपको काफी कुछ लिखा रहा है। देखिए लग्जरी रेंट पर लग्जरी में जो रहता है, या स्प्लेंडेड वैल्यूएबल एक्सपेंसिव महंगा, यानी अमीर अमीर, यानी उसका सिनोनिम सा आ गया एक तरह से, एडजेक्टिव उसका सिनोनिम सा आ गया। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं बिलीव्स, बिलीव्स तो बिलीव यानी विश्वास, देखिए ट्रस्ट हैव फेथ इन, तो दोस्तों इस तरह से आप इन सबको भी दोस्तों चेक कर सकते हैं। काफी अच्छी चीज है दोस्तों ये भी, ये शॉर्टकट भी दोस्तों काफी यूजफुल है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों हमारा आल्ट के साथ अगर आप एच प्रेस करेंगे, जैसे देखिए हम कोई भी सिलेक्टेड कोई लिखेंगे, चाहे तो आप पहले लिख लीजिए उसके बाद सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइट कीजिए, या फिर आप पहले शॉर्टकट लगाइए ये वाला, उसके बाद भी आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को। तो सबसे पहले से मैं लिख लेता हूँ, अपना नाम ही है अतुल शर्मा। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं, अब हमें हाईलाइट करने के लिए क्या करना है, अब आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया हमने, अब आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से Alt plus H। जब Alt के साथ H प्रेस करेंगे देखिए इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। अब आपको प्रेस करना है Alt plus I। दोस्तों आप देख सकते हैं किस कलर का आपको हाईलाइट करना है, देखिए मेरे को येलो चल रहा है। दोस्तों आप डिफरेंट डिफरेंट कोई सभी कलर कर सकते हैं, फिलहाल जैसे मैं देखिए येलो ही कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को, काफी अच्छा शॉर्टकट है। दोस्तों हम आपको एक और शॉर्टकट दिखाते हैं, देखिए अगर हम देखिए जैसे अगर हमने कोई सिंबल यूज किया है, ठीक है अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी, जैसे देखिए मैं गया यहाँ पर सिंबल्स में, इंसर्ट में जाने के बाद देखिए हमने ले लिया अल्फा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अल्फा यूज कर लिया, ओके। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है एड लास्ट यूज सिंबल अगेन, अगर आपको लास्ट यूज सिंबल जो आपने सिंबल लास्ट टाइम यूज किया उसे आपको अगेन चाहिए तो आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं टेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, टेस्ट को चाहे सिलेक्ट करें मत करें फिर भी आ जाएगा। देखिए अगर हम प्रेस करते हैं Alt के साथ N, ठीक है फिर हम प्रेस करते हैं Alt के साथ U, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा पाऊं, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा देखिए अपने आप यहाँ पर आ गया है। सो फ्रेंड्स इस तरह से होते हैं शॉर्टकट, जो कि काफी अच्छे शॉर्टकट हैं, कुछ अलग शॉर्टकट हैं। नेक्स्ट दोस्तों सेव है, सेव एज करने के लिए आप F12 दबा सकते हैं कीबोर्ड से, अगर आप प्रेस करते हैं F12 तो आप देख सकते हैं सेव एज का डायलॉग बॉक्स दोस्तों हमारे सामने ये देखिए ओपन हो चुका है, जहां पर कि हम यहाँ पर देखिए फाइल नेम कुछ भी लिख के उन्हें सेव कर सकते हैं, या कोई चीज पहले सेव है उसे रीनेम कर सकते हैं, दूसरे नेम सेव कर सकते हैं, या कोई चीज एक सेव है उसे दोबारा दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं, ये होता है सेव एज। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टकट, देखिए F12 के अलावा Alt+F+A से भी आप सेव एज कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा शॉर्टकट है कौन ट्राई करेगा, Alt+F और फिर A। देखिए दोस्तों Alt+F और उसके बाद देखिए A दबाने से देखिए वही हमें सेव एज का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन F12 ज्यादा इजी है। नेक्स्ट दोस्तों F5 फाइंड रिप्लेस गो टू, अगर आपने हमारी एमएस वर्ड कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक के शॉर्टकट वाली लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हमने कंट्रोल एफ से फाइंड करा था, कंट्रोल जी से गो टू किया था, कंट्रोल एस से रिप्लेस किया था। जैसे देखिए अगर हम कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ अगर हम एफ दबाते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों फाइंड होने को देखिए ये आ रहा है, ठीक है। और अगर आप एच दबाते हैं तो क्या होता, अगर आप एच दबाते तो रिप्लेस के लिए, जी दबाते तो गो टू के लिए। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप उस सारे डायलॉग बॉक्स को एक बार में चाहते हैं फाइंड भी रिप्लेस भी गो टू भी, तो आप सिंपल एक कीवर्ड दबाइए F5 अपने कीबोर्ड से F5। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर देखिए फाइंड भी यहाँ पर है, रिप्लेस भी यहाँ पर है, गो टू भी यहाँ पर है, आप जो भी इफेक्ट करना चाहें आप एक बार में ही F5 दबा के आप सब कुछ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ इंसर्ट, इस हो जाता है पेस्ट, अगर कोई चीज पेस्ट करनी है तो कट भी करनी होगी, अगर हम करनी है Ctrl+X, हम करते हैं शिफ्ट के साथ इंसर्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है लेकिन शिफ्ट के साथ इंसर्ट करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस कीजिए, साथ ही साथ आपको अपने कीबोर्ड में इंसर्ट बटन देखना होगा उसे साथ में प्रेस कीजिए, दोस्तों आप देख सकते हैं पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट दोस्तों सो प्रिंट प्रीव्यू, अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ F2, इसे तो मैं डेली लाइफ में भी यूज करता हूँ। सो फ्रेंड कंट्रोल के साथ F2 प्रेस कीजिए तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने देखिए प्रिंट की तरह देखिए इसका प्रीव्यू आ चुका है, पेज कैसा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स काफी अच्छे अच्छे शॉर्टकट हैं, हम नए शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों, कंट्रोल F2 तक तो हम कर चुके हैं, ओके। सो हम नए शॉर्टकट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर आप F1 दबाते हैं तो ओपन टास्क पेन, कंट्रोल के साथ हम प्रेस करते हैं F1, दोस्तों अब आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करने से ओपन हो गया टास्क पेन, देखिए कंट्रोल के साथ F1, ठीक फ्रेंड्स।
देखिए कंट्रोल के साथ F1 दबाने से, तो दोस्तों आपने देखा कंट्रोल के साथ F1 दबाने से टास्क पेन ओपन हो गया। आप कंट्रोल के साथ F1 दबाइए, देखिए टास्क पेन हाइड हो गया। आप कंट्रोल के साथ F1 दबाइए, देखिए टास्क पेन ओपन हो चुका है। ऐसे आप हाइड ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों काफी यूजफुल, अगर आपको हाइड या शो करना हो रूलर व्यू को, तो आपको R के साथ W और उसके बाद R दबाना होगा। रूलर क्या होता है दिखा देता हूँ आपको। देखिए जो ये स्केल आता है सबसे ऊपर को, अभी देखिए फिलहाल के लिए हाइड है। जैसे कि अगर हम दबाते हैं आपको यहाँ पर, देखिए अगर हम दोस्तों प्रेस करते हैं Alt उसके साथ W और उसके बाद हम दबाते हैं R, तो दोस्तों ये इससे क्या होगा, शो और हाइड होता है रूलर व्यू। ठीक है, अब हम प्रेस करते हैं Alt उसके साथ W और फिर करते हैं R, तो दोस्तों आप देख सकते हैं शो हो चुका है ये स्केल जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं रूलर स्केल। ठीक है, Alt शो या हाइड रूलर व्यू, कैसे, Alt प्लस W और R से क्या होता है रूलर। देखिए अगर आप Alt के W दबाएंगे उसके बाद आप दबाएंगे R, दोस्तों शो और हाइड आप इसे कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्टकट। नेक्स्ट दोस्तों एग्जिट करने के लिए, अगर आप वर्ड को एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, Alt के साथ F और आप X दबा सकते हैं। Alt के साथ अगर हम प्रेस करते हैं F और फिर हम अगर X करेंगे, देखिए X पे देखिए, हम आपको दिखाते हैं पास से, X पे देखिए एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा इसे क्लोज क्योंकि मुझे आपको आगे शॉर्टकट दिखानी है। ओके सो हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के कोई शॉर्टकट हो कितना अच्छा होता। दोस्तों जी हाँ, इनका भी शॉर्टकट है। दोस्तों अगर आपने कुछ भी लिखा, जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं लिख के, अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट लिखना है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है पावर में, तो पावर में लिखने के लिए आप क्या करते हैं, आप दोस्तों यहां पर जाते हैं, आप देखिए ऊपर को अगर आप कर देंगे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद, तो देखिए ऊपर को आएगा सुपर स्क्रिप्ट और नीचे कर दे तो देखिए सब स्क्रिप्ट। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखे आ रहे हैं। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ आपको इक्वल टू को साइन दबाना है सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और अगर आप सुपर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस आपको प्लस का साइन। बट दोस्तों इन शॉर्टकट पे कोई नजर नहीं मारता लिखते समय। सो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है। ओके तो देखिए अगर हम आपको दिखाते हैं, देखिए अगर हमने लिखा अतुल, ठीक है तो अब हम करते हैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर दबाते हैं हम प्लस का साइन यानी कि शिफ्ट के साथ इक्वल टू वाले साइन, तो देख सकते हैं ऊपर को पावर में आ चुका है। और ऐसे दोस्तों अगर आपको इसे सबस्क्रिप्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ प्लस का साइन आपको दबाना होगा, कंट्रोल और उसके साथ आपको प्लस का साइन ही, सॉरी कंट्रोल के साथ इक्वल का साइन, प्लस मतलब है उसके साथ, तो कंट्रोल के साथ इक्वल का साइन दबाया, तो देख सकते हैं दोस्तों नीचे आ चुका है। सो फ्रेंड्स आपने देखा सुपर स्क्रिप्ट, अगर आपको पावर में लिखना हो तो आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके बाद प्लस का साइन कैसे दबाएगा, शिफ्ट के साथ दबा के। और अगर आपको सबस्क्रिप्ट लिखना हो, नीचे लिखना हो दोस्तों बेस में, तो आपको कंट्रोल के साथ इक्वल टू का साइन दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, जी हाँ कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, इससे आप वन वर्ड लेफ्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे ले गया कर्सर, अगर आप हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो, ओके कंट्रोल और लेफ्ट वाला एरो, देख सकते हैं एक वर्ड पीछे चला गया। देखिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, वन वर्ड लेफ्ट जा रहा है कर्सर। ठीक है सेम ऐसे ही एक और है कंट्रोल प्लस राइट एरो, इससे जाएगा वन वर्ड राइट। देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया वर्ड पे, ठीक है डब्ल्यू पे आ गए ये यहाँ पे। ठीक है अब देखिए अगर हम करते हैं कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो प्रेस, तो देखिए आगे चला गया एक वर्ड, आगे एक और वर्ड आगे चला गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से, तो आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से वन वर्ड लेफ्ट जा सकते हैं, और आप कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप वन वर्ड राइट डायरेक्शन जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंट्रोल लेफ्ट एरो लेफ्ट साइड में, तो वन वर्ड लेफ्ट जाएगा, और अगर कंट्रोल के राइट डायरेक्शन तो राइट डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ अप एरो, कर्सर कम्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया लाइन को, पैराग्राफ भी हो सकता है, तो देखिए कंट्रोल के साथ अगर हम प्रेस करते हैं अप एरो, तो आप देख सकते हैं कर्सर जितना सेलेक्ट पार्ट था उसके स्टार्ट में आ गया, कर्सर कम्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। ओके तो नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ डाउन एरो, इसमें क्या है कर्सर कम्स एट द एंड ऑफ लाइन और पैराग्राफ। तो अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ डाउन वाला एरो, तो अब इसके कर्सर कम्स एट द एंड ऑफ द लाइन और पैराग्राफ यहाँ पे आ गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ डाउन एरो, ये भी हमारा हो चुका है। ओके तो अब हम बात करेंगे Alt प्लस W प्लस F की, यानी फुल स्क्रीन में अगर आपको रीड करना, तो हम प्रेस करते हैं Alt के साथ W प्रेस करते हैं, अब हमें प्रेस करना है F। दोस्तों अब आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं, देखिए फुल स्क्रीन रीडिंग हो रहा है, जो भी हमारे पेज आपने देखे हुए भी उन्हीं का।
तो फ्रेंड्स काफी अच्छी चीज है, माननी पड़ेगी कि फ्रेंड्स अच्छी चीज है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा शॉर्टकट है ये, R प्लस W प्लस F, F मतलब फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तो आप यहाँ से दोस्तों क्लोज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ रहिए आप ऊपर से क्लोज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम आगे के शॉर्टकट देख लेते हैं। आप हम यहाँ पर आ गए थे फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू तक हो गए थे। हम नेक्स्ट दोस्तों कंट्रोल Alt प्लस 1, जी हाँ मेक टेक्स्ट एज हेडिंग 1, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए फिर प्रेस आपको करना है कंट्रोल साथ आपको प्रेस करना है Alt और उसके साथ ही आपको दोस्तों 1 प्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंट्रोल Alt और 1 दोस्तों आप देख सकते हैं मेक टेक्स्ट देखिए हेडिंग की तरह बन गया है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया दोस्तों हेडिंग 1 की तरह ये टेक्स्ट बन चुका है। अगर हेडिंग 2 की तरह किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बनाना हो सेलेक्ट कीजिए और फिर आपको प्रेस करना है कंट्रोल Alt और उसके साथ आपको प्रेस करना है 2। देखिए हेडिंग 2 की तरह बन गया है लिखा हुआ टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपको हेडिंग 3 की तरह बनाना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल और उसके साथ साथ Alt और उसके साथ 3, कंट्रोल प्लस Alt प्लस 3। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हेडिंग 3 बन चुका है। अगर दोस्तों आप फॉन्ट साइज 2 बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट यूज करनी होगी कंट्रोल Shift और ये होता है साइन ग्रेटर देन का। ओके सो आपको क्या करना होगा, आपको सपोज कीजिए आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिख लेते हैं विनय गुप्ता। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस टेक्स्ट को करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि आपको कोई भी अगर इफेक्ट करना है तो पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल प्रेस कीजिए कीबोर्ड से Shift, साथ ही साथ ये वाला साइन ग्रेटर देन वाला। अब जब आप ये प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं 20 से 22 हो चुका है फॉन्ट। एक बार फिर दबाते हैं आप देख सकते हैं 24 हो चुका है। एक बार फिर प्रेस करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं 26 हो चुका है। तो इसका वर्क क्या होता है, फॉन्ट साइज को 2 बढ़ाना। ठीक है, सेम ऐसा ही ये है इसका अपोजिट बिल्कुल, कंट्रोल Shift और ये है लेस देन का साइन। तो इससे होता है फॉन्ट साइज 2-2 करके स्मॉलर। ठीक है, इसे अभी आप देख सकते हैं अगर हम इस पर सेलेक्ट करते हैं, देखिए अभी है 26 साइज। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं अभी है 26 साइज। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कंट्रोल Shift और स्मॉलर देन वाला प्रेस करेंगे, ये वाला कंट्रोल Shift और स्मॉलर देन। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हो गया साइज 24। तो इस तरह से आप अब अगर आप देखिए कंट्रोल Shift और लेस देन वाला अगर आप साइन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज 22 स्मॉल होता रहेगा 22 के गैप से। ठीक है, ये तो हो गए शुरू के 2 शॉर्टकट। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप फॉन्ट साइज 2 अगर बढ़ाते तो काफी बड़ा हो जाता है एकदम, तो अगर आप एक साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, सपोज कीजिए हमने फिगर को सेलेक्ट कर लिया। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्रेस करना है, साथ में आपको यला राइट वाला आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो ये सिंपल लगेगा बिना Shift के। तो कंट्रोल के साथ हम ब्रैकेट करते हैं यहाँ रेक्टेंगुलर, तो आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज 21 हो चुका है। एक बार फिर करते हैं तो आप देख सकते हैं 22 हो चुका है, 23 हो चुका है। देखिए अब हम आपको दिखा देते हैं एक बार, देखिए आप 23 हो चुका है साइज। अब हम आपको अगेन दिखाते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम साइज और बढ़ाएंगे। तो देखिए 24, 25, 26, 27, 28। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं साइज हो चुका है 28। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं फॉन्ट साइज अगर आपको एक कम करना हो, अगर ये तो था फॉन्ट साइज बढ़ाना है, अगर आपको कम करना हो तो कंट्रोल के साथ आपको लेफ्ट वाला रेक्टेंगल वाला ब्रैकेट लगाना होगा। इससे हम टेक्स्ट को करते हैं सेलेक्ट। ठीक है, अब हमें करना है स्मॉल, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला दबाएंगे, छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा हो गया। देख रहे हैं आप, देखिए 14 हो गया, 13 हो गया, जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं 13 हो चुका है फॉन्ट। ओके, तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी कर सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको ठीक लगता हो। ठीक है, अगर आपको बढ़ाना है सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल Shift और वही ग्रेटर देन से 2-2 करके बढ़ जाएगा, और 1 बढ़ाना तो कंट्रोल के साथ राइट वाला रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। नेक्स्ट दोस्तों हमने अगर हम फॉन्ट साइज 2 बढ़ाते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है, और हमें कोई लाइन लिख रहे हैं अगर हमने शुरू के बाद लिखने हैं बड़े कैपिटल उसके बाद लिखना है स्मॉल, तो डिफॉल्ट फॉन्ट पे अगर आपको रीसेट करना हो तो आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार को आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट को। कैसे कैसे देखिए, अभी देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं ए क्विक ब्राउन फॉक्स, अभी मैं इतना ही लिख रहा हूँ। ठीक है, सपोज कि हमें एक क्विक का साइज बढ़ाना है। ठीक है, तो हमें कंट्रोल Shift और ग्रेटर देन वाला साइन किया तो देखिए 2-2 करके बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें आगे क्या है, कुछ लिखना है, पर क्या है, अब टेक्स्ट बड़ा ही लिखा है, ये देखिए
देखिए आ रहा, देख रहे हैं आप। तो देखिए अगर आपको जैसे देखिए हमने एक क्विक ब्राउन फॉक्स लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, आपने इसे भी सेलेक्ट कर लिया। हम करते हैं इसे भी सेलेक्ट, ब्राउन को भी, ब्राउन फॉक्स को, आपने इसका भी साइज बढ़ा दिया। कई बार क्या होता है साथ साथ में हम बढ़ा देते हैं। तो आपको अब आपको चाहिए डिफॉल्ट फॉन्ट। तो आपको डिफॉल्ट फॉन्ट के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि साइज हो चुका है 11, यानी कि डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है डिफॉल्ट। तो अब अगर आप प्रेस करेंगे तो वो काफी स्मॉल में आएगा। तो इस तरह से आप इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार को। नेक्स्ट दोस्तों कंट्रोल प्लस वन सिंगल स्पेस लाइन, लाइन के बीच में सिंगल स्पेस। जैसे देखिए ये दो लाइन अगर हम दिखाते हैं आपको, इनके बीच में देखिए सिंगल स्पेस है। जैसे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल वन, तो देखिए सिंगल स्पेस है इन दोनों लाइनों के बीच में जिन्हें हमने सेलेक्ट किया। तो देखिए अगर आपको दो लाइन का स्पेस देना है तो आपको कंट्रोल के साथ टू प्रेस करना पड़ेगा डबल स्पेस लाइन के लिए। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ टू, दोस्तों आप देख सकते हैं दो लाइन का यहाँ पर स्पेस आ चुका है इन दोनों के लाइनों के बीच में। अब देखिए एक और शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ फाइव, उससे क्या होगा डेढ़ लाइन का स्पेस। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ फाइव, तो दोस्तों आप देख सकते हैं डेढ़ लाइन का स्पेस हो चुका है। अगर आपको लगता है डेढ़ लाइन और दो लाइन में कंफ्यूजन, कंट्रोल टू प्रेस करते हैं, देखिए दो लाइन का। अब कंट्रोल फाइव करते हैं, देखिए थोड़ा कम हो जाएगा, देखिए डेढ़ लाइन का, ठीक है। और नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो, इससे आप किसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को। जैसे हम यहाँ पे कर्सर लाए, कंट्रोल किया, शिफ्ट प्रेस किया एक साथ, अब एरो कर रहे हैं हम लेफ्ट वाला, तो एक बार सेलेक्ट किया, फिर आगे करा, देखिए एक और बार सेलेक्ट, फिर एक और बार सेलेक्ट, फिर आगे किया लेफ्ट एरो से। अब अगर हम अप एरो करेंगे, देखिए सेलेक्ट, अब देखिए अप एरो किया, देखिए अप एरो किया, पूरी लाइन सेलेक्ट, अप एरो किया, और बस लगातार प्रेस करते गए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम इन शॉर्टकट्स को काफी इजीली यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो फ्रेंड्स आप इंसर्ट भी कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, और साथ ही साथ आप रिमूव भी कर सकते हैं, उनके शॉर्टकट हम अभी आपको दिखाएंगे। सो देखिए जैसे मैंने ये बनाया टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस तरह से आप भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह जो होती हैं उसमें आप कैसे ये खुद लिखा हुआ आ जाए टेबल ऑफ कंटेंट्स और फॉर्मेट्स आपको दिख जाए, तो वो भी हम आपको बताते हैं न्यू पेज पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स कंट्रोल एन से हमने लिया न्यू पेज, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। सो देखिए आपको प्रेस करना है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं क्या शॉर्टकट था। देखिए आल्ट के साथ आपको प्रेस करना है, देखिए एस फिर टी और फिर आता है आई, ठीक है। आल्ट के साथ आपको प्रेस करना है एस, फिर प्रेस करना है टी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस टाइप का लिखना है। तो देखिए जैसे मेरे को वाला अच्छा लगा तो इस पर मैंने कर दिया क्लिक, तो देखिए इस तरह से आ गया। अब देखिए आप इन्हें अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, आई टी फुल नॉलेज, ठीक है। तो फिर क्या किया था, इसे सेलेक्ट किया था और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला साइन जब अगर हम प्रेस करते हैं दोस्तों, अगर हम किसी चीज को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला देख सकते हैं, दो दो करके साइज बढ़ता रहेगा। ओके तो इस तरह से आप उनके सब पार्ट में लिख सकते हैं क्या क्या उसके अंदर के चैप्टर और उसके अंदर के सब पार्ट आप अपने नीट के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना ही नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने लिख लिया अपना नाम, तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, बस वही। अगर आपको अंडरलाइन करना है कंट्रोल यू कर दीजिए, बस वही शॉर्टकट है। बस आपको कस्टमाइज करना है, साइज छोटा बड़ा करना है और नाम लिखना है अपने अकॉर्डिंग जो भी दोस्तों आपको सही लगता है। सो इस तरह से ये सब चीजें चलेंगी। तो फ्रेंड इस तरह से कस्टमाइज मैंने किया था। अब देखिए अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, उसके बाद आपको प्रेस करना है टी और उसके बाद आपको करना है आर, ठीक है। देखिए अभी हमको दिखाएंगे न्यू में, ये तो था टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। अब आपको दिखाते हैं आपको कैसे इंसर्ट करना है, कैसे रिमूव करना है। जैसे देखिए आपको इंसर्ट करने के लिए करना है आल्ट प्लस एस प्लस टी, आपको प्रेस करना है आई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर्मेट है कई सारे, फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ देखिए क्लासिक, पहले के देखिए क्लासिक में कैसा दिखेगा, और देखिए फैंसी भी है, मॉडर्न भी, फॉर्मल, अगर आप कोई फॉर्मल काम कर रहे हैं ऑफिस वगैरह का तो आपको इस तरह के लिखने हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से कई सारे ऑप्शन है, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। 100 लेवल यानी कितनी हेडिंग, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए जितनी हमने बारी 9, देखिए 9 हेडिंग वगैरह आ रही होंगी। सो फ्रेंड्स किस तरह से दिख रही हैं ये, प्रिंट प्रीव प्रिंट वैसे दिखेंगी, और वेब पेज और वेबसाइट वगैरह इन सब में हम सर्च करते हैं तो उसमें इस तरह से इसका दिखेगा, क्योंकि लिंक की तरह दिखता है उसमें। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अंदर जाकर दोस्तों सेटिंग में आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपको दिखाते हैं,
अगर आपने प्रेस किया Alt के साथ S, फिर D और फिर कर दिया I, ओके, फिर हम कर दिया ओके, तो देखिए देखिए नो एंट्री फॉर्म। अगर आप करते हैं Alt के साथ S, फिर D, फिर R, देख सकते दोस्तों रिमूव हो गई टेबल। तो क्यों, क्या शॉर्टकट था? अगर इंसर्ट करनी हो टेबल ऑफ कंटेंट तो आपको प्रेस करना है Alt के साथ S और उसके बाद आपको T करना है और फिर आपको करना है R, ठीक है, ये करना है रिमूव करने के लिए। अगर इंसर्ट करना है तो Alt प्लस Alt, ठीक है, Alt प्लस S प्लस T प्लस I, ये किसके लिए है? इंसर्ट करने के लिए। किसे इंसर्ट करने के लिए? टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। और अगर आपको रिमूव करना है तो आपको R प्लस S प्लस T प्लस R करना पड़ेगा दोस्तों, आपको रिमूव करने के लिए, अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट को रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स ये थे चीजें जो आपको बता। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो दोस्तों सच में पसंद आई हो तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक बटन नीचे है। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो लाइक कर लेनी चाहिए अगर आपको सच में अच्छी लगी हो। साथ ही साथ बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन भी दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स तब तक आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Oh, 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 oh